अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हिरा आमिर एंड आई एम बैक विद अनदर स्ट्रेटजी। वी वर डिस्कसिंग लाइफ स्ट्रेटजीज अपने गेस्ट स्पीकर डॉक्टर तलत के साथ। आज हम दोबारा उन्हें इनवाइट करेंगे ताकि हम स्ट्रेटजी नंबर 3 के ऊपर थोड़ी नज़र डाल सकें कि वो हमें क्या मैसेजेस दे रही है या क्या उसका बेसिक कॉम्पोनेंट है जो हम अपनी लाइफ पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में। एक्चुअली मैं बताती चलूँ कि ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये इंसान को अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर अप्लाई करनी है, ये हमें किसी दूसरे को नहीं देनी है, क्योंकि इससे दूसरों का कोई फ़ायदा नहीं होना। यू हैव टू वर्क योर लाइफ ऑन देम। अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ आप चाहते हैं कि पॉजिटिव चेंज आए और कुछ पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स गेन हो, तो आपको अपनी लाइफ को एक स्ट्रेटजी के थ्रू रन करना होगा। क्योंकि जब हमारे पास लाइफ गुजारने का या कोई भी काम करने का एक प्लान होता है तो हम उसको बेनिफिशियल तौर पर काम कर सकते हैं। अगर प्लान फ्री होकर आप लाइफ गुजारेंगे, देर विल बी नो स्ट्रेटजी बिहाइंड योर लाइफ, देन यू विल लिव अ लाइफ यू नो जस्ट लाइक अ हॉर्स जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उसकी यू नो लगामें खुली है तो वो कहीं पर भी जा रहा है। तो आपको अपनी लाइफ को एक ट्रैक पर, एक कन्फाइंड डायरेक्शन के अंदर चलाना है, ताकि हमेशा आपको ये पता हो कि आपकी लाइफ का डायरेक्शन क्या है, आपकी लाइफ का मोटिव क्या है। अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो लाइफ का एक मोटो रखें, उसके ऊपर ज़िंदगी को स्ट्रेटेजाइज करके रन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट गेन हो सकें। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि हम अपने एक्सपीरियंसेस खुद बनाते हैं, उसमें हमने बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन डॉक्टर तलत से गेन किया कि कैसे हम अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू और डिसीजन मेकिंग के थ्रू अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्ट्रेटजी नंबर 3 जो कि कहती है पीपल डू व्हाट वर्क्स। लेट मी इन्वाइट माई गेस्ट स्पीकर डॉक्टर तलत, देन वी कैन स्टार्ट ऑफ बाई डिस्कशन। डॉक्टर तलत, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आई होप आप ठीक हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर वी आर गोइंग थ्रू स्ट्रेटजीज, एज माय ऑडियंस नोज कि हम स्ट्रेटजीज यू नो हैं उनके ऊपर रन कर रहे हैं आजकल वीडियोस। तो स्ट्रेटजी नंबर 3 से हम आज कंटिन्यू करेंगे जिसका लोगो है दैट पीपल डू व्हाट वर्क्स। सो एक्चुअली माय क्वेश्चन फॉर यू इज दैट व्हाट आर पे ऑफ्स। एक्चुअली पे ऑफ वर्ड स्ट्रेटजी में भी और एज अ यू नो जनरल टर्म में भी, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड पे ऑफ, ताकि हम उस पर मेजरली डिस्कस कर सकें कि हाँ हमारा ये स्ट्रेटजी हमें क्या रिजल्ट दे रही है। अच्छा, ये जो पे ऑफ्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट एवर वी आर डूइंग। मैं इसमें डेफिनेटली ये नहीं कहूँगा कि हम कुछ ग्रीडी हो जाते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, लेकिन ये भी तो एक हकीकत है कि हम जब कोई काम करते हैं तो हमारे जहन में उसका कोई नतीजा होता है, हमारे जहन में उसका कोई आउटकम होता है, और हमारे जहन में कोई ऐसे चीज़ें होती हैं जिस पे हमें ये लगता है कि ये काम हमें फर्दर करना चाहिए, आगे लेके चलना चाहिए। जब से दुनिया में इंसान आबाद हुए हैं, इस अर्थ पे इंसान आबाद हुए हैं, तो वो हर ज़माने में वो कुछ काम ऐसे करते रहे हैं जिससे उनको कुछ फ़ायदे होते थे। शुरू में लोग जंगलों में रहते थे तो उन्हें जानवरों को मार के और उनको कच्चा खा जाने में उनका पे ऑफ मिलता था, उन्हें खुराक मिलती थी। फिर ज़माने बदलते रहे, फिर जब मज़हब आ गए और ख़ासतौर पे जब इस्लाम आया तो काफ़ी तहजीब आ गई लोगों के अंदर, काफ़ी लोग बदलने शुरू हुए। जब वो उन्होंने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करना शुरू किया तो उनकी ज़िंदगी में और तब्दीलियाँ आनी शुरू हो गई और पॉजिटिवली वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। आते आते जब हम आज के ज़माने में पहुँचते हैं तो शुरू से ले कर आज तक इंसानों ने हमेशा वही काम किए हैं जिसका उन्हें कुछ पे ऑफ मिले। चाहे वो पे ऑफ बुरा हो या अच्छा हो, इस पे आगे बात होती रहती है। लोग बुरे काम भी करते हैं, उन्हें पे ऑफ मिलता है। दो इंसान आपस में लड़ पड़ते हैं और उन्हें पे ऑफ ये एक तवक्को कर रहे होते हैं कि दूसरा इंसान अगर दुनिया में नहीं रहेगा तो मेरी दुनिया आसान हो जाएगी। तो दुनिया आसान नहीं होती किसी दूसरे को दुनिया से भेज देने से। दो घराने आपस में लड़ पड़ते हैं, दो मुल्क आपस में लड़ पड़ते हैं और इसी बात पे लड़ पड़ते हैं कि दूसरे का वजूद अगर इस ज़मीन पे नहीं होगा तो शायद मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो उन्हें कुछ इस तरह का नेगेटिव पे ऑफ भी होता है। दो मुल्क ऐसे भी होते हैं जो आपस में दोस्ती में चलते हैं, अमन अमान से चलते हैं, दोनों की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होती है, दोनों के लोग आपस में मिलना शुरू करते हैं, कल्चरल वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाती हैं और उनको एक तरक्की की फॉर्म में एक पे ऑफ मिलता है। जब वापस उतरते हैं, आप शहरों में आ जाते हैं और घरों में आ जाते हैं और फिर अपनी ज़ात की जो अपनी ज़ात के अंदर आ जाते हैं, तो फिर हम भी बहुत सारे ज़िंदगी में
काम करते हैं जिसका हमें कुछ पे ऑफ मिलता है। बचपन से हमें कुछ चीज़ें हमें कही गई, मैं आपका टाइम लूंगा इसमें। जैसे हमें बचपन में कहा गया कि आप बहुत खूबसूरत हैं और हम अंदर से खुश हो जाते थे, और जब हम बाहर गली में निकले तो किसी दूसरे ने हमें कहा कि हमारी फिजिकल हेल्थ पे कोई या चेहरे पे शक्ल पे उनने कोई बात की तो हमें बुरा बुरा लगा, तो दोनों पे ऑफ थे। अब डिपेंड करता है कि हमें अपने, देखिए दो पे ऑफ को आप अब समझे कि आपके दो ऐसे जानवर हैं आपके अंदर, एक नेगेटिव जानवर है और एक पॉजिटिव है, एक कोई भेड़िया टाइप है और एक जो है वो बहुत अच्छा जानवर है। तो आप जिस जानवर को जितनी फीड करेंगे उतना वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, तो पे ऑफ दोनों। अब इसी माशरे में कुछ लोग हैं जो गलत काम करते हैं, उनको भी तो कुछ पे ऑफ मिलता है। लोग अच्छे काम करते हैं उनको भी पे ऑफ मिलता है। जो पे ऑफ है ये एक आपकी स्टेट ऑफ माइंड भी है। देखिए जो गलत काम करते हैं वो भी इंसान है, उनके भी सारे जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ब्रेन का सेम है, लेकिन उन्होंने उसको ऑपरेट नेगेटिवली कर लिया। तो जो पे ऑफ है इज कॉन्स्टेंट वॉट एवर वी आर डूइंग। अब यहाँ पे जब स्ट्रेटजी थर्ड जो है मैग्रा की, वो कहती है कि पीपल डू व्हाट वर्क्स, व्हाट वर्क्स, एंड अगर इसमें स्ट्रेटजी को कंप्लीट कर लें तो जो जो उनको जो मिल रहा है, व्हाट दे आर गेटिंग आउट ऑफ दिस फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी, वो अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन दे आर गेटिंग व्हाट दे आर डूइंग इट। सो पीपल डू व्हाट वर्क्स फॉर देम। इसमें हमारे आप कॉलेज जमान कॉलेज यूनिवर्सिटी का देख लें, लोग आपको धक्का देके भी आगे निकल जाते हैं क्योंकि पीपल डू व्हाट वर्क्स। उनको लगता है कि दूसरों को धक्का दे के आगे बढ़ जाने का नाम जिंदगी है। बहुत से लोग हैं जो लाइन में लगे रहते हैं और वो ऐसा ऐसा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनमें लाइन में लगने से उनको ये फायदा होता है कि उनको एक इत्मीनान आता है, उन्हें लगता है कि जब हम कतार में हैं तो हम शुमार में भी हैं, लेकिन उनकी मंजिल लेट आएगी। वो सब्र के साथ चलते हैं और वो मंजर पा लेते हैं। कुछ लोग बड़े बेसब्रे से होते हैं, वो तो इवन एग्जाम दे के ये चाहते हैं कि हमें रिजल्ट पता चल जाए, चाहे वो फेल ही हों, वो कहते हैं पता चल जाए हमें, अनसर्टेनिटी बर्दाश्त नहीं होती उनसे। तो जो पे ऑफ है ये कांस्टेंट है, ये हमें मिलना ही मिलना है। अब सिर्फ ये फैसला करना है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका पे ऑफ अच्छा है या बुरा है। डेफिनेटली अगर अच्छा पे ऑफ है तो हम उस काम को करते जाते हैं, अगर पे ऑफ नेगेटिव है तो हम उस काम से रुक जाते हैं। बिल्कुल। मूविंग ऑन, मुझे एक बात बताइएगा तो गलत कि क्या पे ऑफ जो है वो हमारी बिहेवियर लर्निंग में भी हमारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि बिहेवियर जो हमारा लर्निंग बिहेवियर है, बिकॉज समटाइम्स वी गेन स्किल्स बाय लर्निंग, वी नो मे बी इन फ्यूचर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट असर्टिवनेस, तो इट इज अ लर्न स्किल। तो क्या पे ऑफ भी इसी तरह है कि हम लर्न करते हैं तो हमारे बिहेवियर्स के ऊपर कुछ चेंजेस आती है, हम हमारे बिहेवियर्स पे लर्निंग आ सकती है अगर हम पे ऑफ पे नहीं जा रहे हैं? देखिए ना, इसमें डेफिनेटली मैं बाद में एजुकेशन का भी जिक्र करूंगा कि एजुकेशन कैसे बदलती है इंसान को। देखिए ये है कॉग्निशंस का खेल है जी। एक बच्चा जिस घराने में पैदा होता है उस घराने की रस्म और रिवाज लेके वो ऊपर बढ़ता है। ये जो रोज हर लम्हा वो सीखता है, हर रोज जो वो सीखता है वो उसके कॉग्निशंस का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। जो आगे जाके हम कहते हैं कि जब ऐसे लोग जब इलाज में आते हैं तो उनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में से भी गुजरना होता है, तो वो जो कॉग्निशंस बने आ रहे हैं। देखिए एक मैं इस कॉग्निशन को एक आम ऑडियंस को समझाने के लिए मैं सिर्फ ये बात कर दूं कॉग्निशंस बनते कैसे। देखें आपको और हमको सबको पता है कि रमजान में हम अगर अकेले भी हों तो हम पानी नहीं पीते या खाना नहीं खाते कि इससे रोजा टूट जाता है, हत्ता कि उस वक्त हमें कोई भी नहीं देख रहा होता, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला देख रहा है, तो हमने रोजा खुदा के लिए रखा है, तो इसलिए हमने बेईमानी नहीं करनी। अब वो जो बेईमानी नहीं करनी हमें आहिस्ता 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 करके सिखाया गया है मजहब ने, हमारे कल्चर ने, हमारी फैमिली वैल्यूज ने, और हम अकेले भी वो गलत काम नहीं करते जो हमारी वैल्यूज या हमारी सोशल लाइफ या हमारी फैमिली लाइफ के को नेगेट करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी लोग हैं, वही इंसान जो रोजे भी नहीं रखते, यानी जो जो गैर मुस्लिम है, लेकिन उनकी भी स्ट्रेटजीज होती हैं लाइफ में। अब यहाँ जो जो फैसला करने की जरूरत है कॉग्निशंस बेस्ड,
वो यहाँ पे ये है कि हम अच्छा अब एक बंदे की स्ट्रेटजी बचपन से ही यही चली आ रही थी कि उसको मिसाल के तौर पे वो पहले घर पे झूठ बोलता था, जी तो वो झूठ पकड़ा नहीं गया और उसको दिमाग ने सीख लिया एक माइक्रो जो बिलीफ बन गया उसका कि झूठ बोल के छुपाया जा सकता है। वो सही यूनिवर्सिटी कॉलेज में गया, उसने स्कूल कॉलेज क्लास बंक करनी शुरू की और उसको उसने सक्सेसफुली छुपा लिया, होते होते वो फेल हो गया। अच्छा, जब फेल हो गया तो उसने फैमिली को इस बात पे कन्विंस कर लिया कि मैं कोई छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, तालीम का कोई फायदा नहीं होता, रिस्क खुदा ने देना है और उसने वादा किया है रिस्क देने का, तो हो सकता है कि मेरा रिस्क तालीम में नहीं था वैसे उसमें। फिर वो उसकी शादी हो जाती है तो वो चीटिंग शुरू कर देता है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं तो वो उसको उसका ख्याल नहीं रखता, होते होते जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो फिर उसको एक अंदाजा होता है कि जिंदगी की स्ट्रेटजी तो गलत हो गई थी। तो आप जिंदगी की स्ट्रेटजी आप गलत हो जाती है तो आप जीरो से नहीं शुरू कर सकते, लेकिन बिल्कुल उस टाइम आप अपने आप को रिकंसिडर कर सकते हैं। तो अब आपका आता है कॉग्निशन कैसे चेंज होते। कॉग्निशन चेंज करने के लिए तालीम उसमें रोल प्ले करती है। देखिए, बाज फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें कोई भी बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, मिसाल दे रहा हूं, अब उनमें से एक बच्चा बड़ी मुश्किल से मैट्रिक कर लेता है। जब वो मैटर कर लेता है तो उसका तालीम ने थोड़ा सा दिमाग खोला है, उसके ब्रेन में कुछ जो एग्जेक्टिव फंक्शनिंग है वो सामने आई है। अब उसने क्या किया, उसने अपनी औलाद को FA BA तक लेके गया, बिल्कुल उनकी आगे जो औलाद है वो मास्टर्स लेवल तक चली गई है। अब उसमें होता ये है कि जब तालीम आ गई उनकी जिंदगी में तो उसमें उनका दिमाग ज्यादा ओपन हुआ, और जब दिमाग ज्यादा ओपन हुआ तो उनको फैसला करने में और ज्यादा मेहनत कर ज्यादा ही करनी पड़ी और उन्होंने आसानी से फैसले चेंज किए। और तालीम इसमें मैटर करती है जब आप कॉग्निशंस को चेंज करना शुरू करते बिल्कुल बाय कॉग्निशन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, हम बिहेवियर्स की बात करें क्योंकि हमारे कॉग्निशन ही हमारे बिहेवियर्स को फॉर्म कर रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अगर तरह हैं। हम इसके अंदर यही मैसेज ले रहे हैं ना कि कॉग्निशन हमारे बिहेवियर फॉर्म कर रहे हैं, ट्रू तो इसीलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर यहाँ पे कॉग्निशन की जिक्र किया गया तो इट इज ऑल अबाउट बिहेवियर लर्निंग बिकॉज आवर कॉग्निशन आर वर्किंग फॉर आवर बिहेवियर्स। So, lastly, I want to know, we have talked about payoffs in this strategy. So, what do you understand? Like, how can we understand what are payoffs? And we have understand what are payoffs, but what are different types of payoffs? And what is basically a psychological payoff? We are learning about cognitional learning. So, what are psychological payoffs? ये अच्छा कि आपने याद करा दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि नॉर्मली हम जो पे ऑफ समझ रहे होते हैं ना, जी वो हम समझ लेते हैं कि हमें कुछ मटेरियल पे ऑफ हो रहा बिल्कुल हो बिल्कुल या हमें कोई फिजिकल पे ऑफ हो रहा हो तो जी हम उसकी तरफ ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारा हर एक्ट हमें कहीं ना कहीं कुछ पे ऑफ कर देता है, बिल्कुल चाहे वो साइकोलॉजिकल पे ऑफ हो। जी जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी को अच्छी बात बताते हैं तो आपका दिमाग आपको ही एक अच्छा पे ऑफ दे रहा होता है। हाँ जी जब आप किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करा देते हैं, सड़क पार करा देते हैं तो आपका दिमाग आपको पे ऑफ देता है। जब आप नमाज पढ़ लेते हैं, आपका दिमाग आपको एक अच्छा साइकोलॉजिकल पे ऑफ देता है। जब आप अपने लव्ड वन के साथ टाइम गुजारते हैं तो दिमाग आपको पे ऑफ देना शुरू करता है। तो साइकोलॉजिकल पे ऑफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर फिजिकल और मटीरियल पे ऑफ। ओके बहुत ही प्रोडक्टिव किस्म की स्ट्रेटजी थी कि अगर आप अपने पीपल डू व्हाट वर्क्स एक्चुअली के पे ऑफ्स की बात हो रही है तो हमें इससे सिर्फ यही नहीं माइंड में लाना कि पे ऑफ्स जो है वो कोई मटेरियलिस्टिक किस्म की बात हो रही है कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिलेगी पे ऑफ में या रिवॉर्ड मिलेगा। नो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रिवॉर्ड्स, इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज अबाउट योर साइकोलॉजिकल पे ऑफ्स। हमारी कॉग्निशन ही नेचुरली बहुत अच्छी बनाई गई है, नेचर ने ही हमारा माइंड ऐसा बनाया है कि हर चीज़ का हमें पे ऑफ मिलता है, चाहे वो फिर हमारा पॉजिटिव पे ऑफ हो या हमने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से हमें कोई नेगेटिव पे ऑफ फेस करना पड़े। इट इज़ ऑल अबाउट कि वट एवर वी डू वी गेट इन रिटर्न एंड वी नीड मतलब नॉर्मल मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि नॉर्मली हमें जो है ना एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी होता है कि हमें ये लगता है कि शायद हम ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हमें कुछ कहे क्योंकि हम कितने लोगों को कुछ कहते हैं। तो ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है इसको निकाल के हमने जिंदगी में वो काम करने हैं जो हमें कुछ पे ऑफ एक अच्छा पे ऑफ हमें करना शुरू करें, हमें उनसे कोई फायदा होना शुरू कर हो।
इसमें डेफिनेटली आप ये जहन में ना रखें कि हम कुछ लालची हो रहे होते हैं. लालच इज समथिंग एल्स. That is something else. You are very right. It's all about greed. It's not. देखिए ना, जब आप अच्छा काम कर रहे हैं और उसका आपको पे ऑफ मिल रहा है, आप उससे आपकी अपनी लाइफ बेहतर हो रही है, आपके कॉग्निशंस बेहतर हो रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो रही है, तो फिर हम ये जो डरते रहते हैं ना कि वो चार लोग क्या कहेंगे. देखिए आज मैं स्ट्रेटजी बदलना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ कि आज से काम जो ए है, मैंने काम ए को नहीं करना, मैंने आज से स्ट्रेटजी बदलनी है, तो मुझे विदाउट फेयरिंग अबाउट द पीपल, हमें लोगों से इसमें डरने की जरूरत नहीं है. जो हमने करना है वो हम करेंगे, क्योंकि हमें नहीं भूलना कि पीपल डू व्हाट बिल्कुल वर्क्स. स्टार्ट लिविंग योर लाइफ बियॉन्ड फियर्स, बिकॉज विद फियरफुल लिविंग यू कैन नेवर अटेन लव. वी ऑलवेज नो के लाइफ में या तो एक फियर होता है जिसके साथ आप जिंदगी गुजारते हैं, या दूसरे साइड पे देयर इज ऑलवेज सम पीस एंड लव जिसपे आप अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं. दोनों चीज़ों को ऑन द सेम ट्रैक रख के आप नहीं चल सकते, बिकॉज दो कश्तियों का जो सवार है वो हमेशा डूब जाता है. ये हम सब लोगों ने बहुत सुनी है ये कहावत. सो हमेशा अपने आप को एक डायरेक्शन में रखें, अपनी लाइफ को सिंक्रोनाइज करें, उसका एक मकसद बनाएं, एक डायरेक्शन बनाएं, ताकि जो जो गोल्स हमने बनाए हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उनको अचीवेबल बना सकें. सो We'll be back with another video. Until then, you need to like, follow, and share the channel, and keep connected and keep with us your awareness so that it can always increase. I'll see you soon. Take care.